एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है ओके okay? सो so, आज हम लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग करने वाले हैं ओके okay? ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होगा जिनका आ, उनके पार्टनर के साथ किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन अभी नहीं है न, फोन कॉल्स टेक्स्ट मैसेजेस किसी भी तरह का कोई भी मीडियम का आ, कम्युनिकेशन अभी नहीं चल रहा है ओके और ये एक जनरल रीडिंग होगा ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है आपके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकता है ओके तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है ये आपका रीडिंग है अगर कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग क्योंकि बहुत सारा लेयर्स होगा वो अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो उतना तक लीजिएगा उससे ज्यादा नहीं और अगर पूरा रीडिंग आ, आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो ये आपका रीडिंग नहीं है आप अपने सिचुएशन को इस रीडिंग के अंदर आ, फिट करने का ट्राई मत कीजिएगा तो आप गलत कंक्लूशन में आ जाएंगे ओके ये मैं बार बार बोलता हूँ और मैं नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे लोग फिर भी आ, अपना सिचुएशन इसमें डालते हैं बट ऐसा मत कीजिए तो गलत आ, उसका रिजल्ट निकलेगा ओके एंड जनरल रीडिंग है ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है जो कि नो कॉन्टैक्ट सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर है ओके okay? <coughs> सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे आपके पार्टनर का अभी का आ, जो करेंट फीलिंग है वो क्या है ओके लेट्स सी देयर एनर्जी एंड देयर करेंट फीलिंग्स Okay. जब मैं कार्ड शफल करूंगा प्लीज आप शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा उनका फेस इमेजिन कर सकते हैं वो कैसे दिखते हैं इमेजिन कर सकते हैं ओके लेट्स सी देयर एनर्जी ओके दॉटम ऑफ द डेक इज द फुल्ड ओके सो बेसिकली जो आपके पार्टनर है आई थिंक ये पुराना भी एक रीडिंग के साथ रेजोनेट कर सकता है मैंने रिसेंटली ही एक रीडिंग किया था जहां पे द स्टार कार्ड आया था उनका जनरल एनर्जी अभी भी वही सेम एनर्जी रिपीट है कि आपके जो पार्टनर हैं वो दे आर सीक्रेटली मैनिफेस्टिंग यू इन देयर लाइफ आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी मैसेज कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है एंड दे आर कंप्लीटली दे आर सरेंडरिंग देमसेल्स टू द यूनिवर्स ओके इसको ऐसे दिखाते हैं दे आर कंप्लीटली सरेंडरिंग अपने आप को पूरी तरह से वो यूनिवर्स को भगवान को दे चुके हैं जो भी सिचुएशन होगा जो भी यूनिवर्स उनके जिंदगी में लेके आएंगे पॉजिटिवली दे विल फॉलो दैट ओनली ओके आगे अगर उनके जिंदगी में कुछ गलत भी होगा तो भी वो इतना सोच समझ के आगे बढ़ना नहीं चाहते दे आर ओनली फोकसिंग ऑन हीलिंग हीलिंग्स ओके आई थिंक हो सकता है कि उनकी जिंदगी में कुछ अभी थोड़ा नेगेटिव कोई फेस चल रहा है कर्मा भी हो सकता है या फिर नॉर्मल भी कुछ नेगेटिव सिचुएशन हो सकता है बहुत सारा सिचुएशन होता है बिकॉज यू आर इन नो कॉन्टैक्ट इट विल नॉट बी पॉसिबल आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उस तरफ का स्टोरी जानना कि उनके लाइफ में हो सकता है फाइनेंशियल कोई क्राइसिस के अंदर से वो जा रहे हैं या किसी फैमिली मेंबर का तबियत खराब है या फैमिली में झमेला चल रहा है बहुत सारा चीज हो सकता है ओके okay? आपके साथ ऑलरेडी दे आर सेपरेटेड सो एक वो एनर्जी तो काफ़ी हैवी एनर्जी ऑलरेडी है वो तो नेगेटिव एनर्जी है ही उसके साथ भी आई थिंक बहुत सारा एनर्जीज जो कि नेगेटिव है Uh, जो चल रहा है उनके जिंदगी में एंड दैट इज द रीजन दे आर ओनली फोकसिंग ऑन हीलिंग देमसेल्व एंड ऑल्सो दे आर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स के प्लीज़ यूनिवर्स आप मुझे रास्ता दिखाइए जिस रास्ते पे मैं चल सकूं अगर उस रास्ते पे आप ऊबर uh, खबर भी रास्ता हुआ या फिर कुछ खाई हुआ उसमें भी मैं जाने के लिए तैयार हूं क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं सो आई एम टेकिंग द लीप ऑफ फेथ ऑफ यू एंड आई एम ओनली फोकसिंग ऑन हीलिंग माई सेल्फ ओके एंड आई वॉन्ट टू मूव ऑन और आई वॉन्ट टू मूव टूवर्ड समथिंग ओके हो सकता है आपके तरफ या कुछ भी जो भी यूनिवर्स उनको गाइड करेंगे उनके इंट्यूशन के थ्रू जो भी आएगा वो उसी चीज पे फोकस करेंगे एंड आल्सो दे आर फीलिंग कि अभी फिलहाल दे आर मे बी दे आर गेटिंग सम स्पिरिचुअल सिग्नल्स और समथिंग या फिर जो uh, क्या बोलूँ मैं यूनिवर्स है जो स्टार्स है uh, वो प्लान्स है वो अभी उनके साथ अलाइंड है ओके बिकॉज दे आर हीलिंग सो दे आर ऑल्सो फीलिंग स्पिरिचुअल एंड बिकॉज दे आर फीलिंग स्पिरिचुअल तो वो ये चाहते हैं कि ऊपर वाले से कुछ उनको सिग्नल uh, आए या एडवाइस आए कि किस तरफ अपनी जिंदगी को लेके जाना है आपके तरफ आना है नहीं आना है क्या करना है कैसा सिचुएशन किस तरह से सिचुएशन को डील करना है सब कुछ देयर ओनली सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स ओके लेट्स सी, उनका इंटेंशन क्या है देअर करंट इंटेंशन वो आपके लिए क्या चाहते हैं या अभी फिलहाल सिचुएशन में क्या चाहते हैं लेट्स सी Uh, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि फीलिंग इंटेंशन एंड आउटकम या एक्शन ये तीनों चीजें अलग होता है इंसान की जिंदगी में इंसान कुछ फील करता है कुछ सोचता है कि करूंगा बट करता कुछ और है ओके okay? आपका आज फीलिंग हो सकता है कि मैं जिम जाऊंगा या जाऊंगी ओके okay? आपका इंटेंशन हो सकता है कि हाँ मैं मंडे से जिम ज्वाइन करूंगा या फिर मैं इस तारीख से जिम ज्वाइन करूंगा बट अल्टीमेटली एक्शन वाइज अगर हम लोग देखेंगे कि नहीं यार आज तो संडे है, आज छोड़ देते हैं या नेक्स्ट मंथ देखेंगे तो एक्शन वाइज वो पलट जाता है यहां पे भी वही आ, होता है कि हो सकता है कि फीलिंग्स में दिखता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं इंटेंशन में भी दिखता है कि वो डेस्परेटली चाहते हैं कि आप उनके जिंदगी में वापस आओ बट एक्शन वाइज वहां पे साइलेंट हो जाता है तो इसको उस तरह से ही लीजिएगा ओके सो लेट्स सी उनका इंटेंशन uh, अभी क्या है क्वीन ऑफ वॉन्स ओके and bottom of the deck is uh, eight of cups i'm sorry okay so they basically they are in intention अगर मैं बोलूं तो i think they are healing themselves because uh, maybe in some cases आपके तरफ से कुछ गलती हुआ है okay? ये सेम चीज i think मेरा लास्ट जो नो कांटेक्ट uh, रीडिंग था उसमें भी इसी तरह का सेम एनर्जी था कि आपके तरफ से हो सकता है कोई गलती हुआ है या आपने चिल्ला मिल्ली किया या आप कुछ झगड़ा किए उनसे या इस तरह का कुछ हो सकता है जिस वजह से दे आर इन टू वेरी मच ईगो और इट कुड बी पॉसिबल कि वो खुद ही एक बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है इवन इफ इव दे आर हीलिंग देम सेल्व एंड सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स बट अल्टीमेटली नेचर तो चेंज नहीं होता ना इंसान का तो जो इंसान हो होता है जिसका बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है एरोगेंस होता है वो वैसा ही अंदर ही अंदर वैसा ही रहता है तो ऊपर ऊपर इवन इफ दे आर हीलिंग और सीक्रेटली मैनिफेस्टिंग यू और सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स बट इंटेंशन वाइज जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि वो चाहते हैं कि आप उनके जिंदगी में आए मतलब आप उनके पास आए ओके okay? और जैसा वो चाहते हैं वैसा हो सिचुएशन के अंदर और एक तरह से आ, जो रिश्ता है वो थोड़ा सा खट्टा मीठा लेवल का रहे मतलब वो प्यार तो करते हैं आपसे बट आप आएंगे तो वो आप पे चिल्लाएंगे या अपना पूरा गुस्सा निकालेंगे बिकॉज दे आर क्वाइट एंग्री ऑल्सो एंड दे आर इन एटीट्यूड कि मैं क्यों आऊँ उनको आना चाहिए सामने वाले को आना चाहिए तो इस तरह का एक एनर्जी है क्वीन ऑफ वंस माई वे और हाई वे ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द एट ऑफ कप्स ओके दे आर मे बी वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग और सम वन आई एल क्लैरिफाई दिस कार्ड ओके आई एल क्लैरिफाई दिस एट ऑफ कप्स के कहाँ पे वो मतलब कहाँ मूव ऑन किस तरफ करना चाहते हैं बिकॉज इट्स क्वाइट मिस्टीरियस जो मैं देख रहा हूँ इट्स क्वाइट मिस्टीरियस एंड दैट इज द रीजन आई थिंक दे वांट टू मूव ऑन देयर इन इंटेंशन वाइज दे uh, मैंने तब फुल कार्ड भी था सो so, शायद बाहर कहीं जाना चाहते हैं मे बी ओके किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में दूसरे प्लेस में ओके इन सम केसेस रिलोकेशन होने के चांसेस है उनका तो मे बी दे आर मूविंग ऑन सबसे जो मूविंग ऑन uh, uh, हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं हो सकता है अपनी फैमिली से भी वो मूव ऑन करना चाहते हैं या हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस हैवी सिचुएशन अपने आप को हील करने के लिए थोड़ा सा बाहर जाके वो थोड़ा यू नो स्पेस लेना चाहते हैं ऐसा भी होता है कभी कभी बट दिस थिंग जो रीजन uh, है दिस इज वेरी लाइक मिस्टीरियस राइट नाउ क्लियर नहीं है किस वजह से उनके लिए भी ये क्लियर नहीं है दे जस्ट वॉन्ट टू मूव ऑन एंड आउट ऑफ दिस एटीट्यूड वाला एनर्जी uh, या नेचर वो मूव ऑन करना चाहते हैं टू समथिंग और सम वन एल्स लेट्स एट ऑफ कप्स का uh, थोड़ा क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या स्टोरी है ओके द व्हाट यू वॉन्ट टू एक्सपे ओके एट ऑफ पेंटिकल्स हम्म एंड थ्री ऑफ कप्स ओके ओके सो बेसिकली बॉटम ऑफ द डेक इज द फाइव ऑफ पेंटिकल सो इफ वी क्लैरिफाई दैट एट ऑफ कप्स बेसिकली दे वॉन्ट टू मूव ऑन दे वॉन्ट टू मूव ऑन टूवर्ड्स यू ओनली ओके और इन सम केसेस टूवर्ड्स अ थर्ड पार्टी बट यहां पर ज्यादातर अगर मैं बोलू इन सम केसेस वो थर्ड पार्टी की तरफ ही मूव ऑन करेंगे बट मोस्टली दे वो आपके तरफ ही आए क्योंकि उन्होंने जो गलती आपके साथ किया है आई थिंक दे आर वो अभी खुद उस फेज से गुजर रहे हैं उनको भी अभी उसी मेडिसिन का सेम डोज मिल रहा है जो कि उन्होंने आपको दिया था एंड देट इज द रीजन दे आर सरेंडरिंग देमसेव टू द यूनिवर्स बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ और वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर जो भी सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा एफर्ट और एनर्जी डाला जाए एंड uh, जब वो प्रिपेयर हो जाएंगे ओके okay, ये प्रिपरेशन का भी टाइम वो लेना चाहते हैं जब वो खुद प्रिपेयर हो जाएंगे मे बी दे विल स्टार्ट अ जॉयस और यू नो रीयूनियन काइंड ऑफ एक एनर्जी इन सम केसेस रिकॉन्सिलियशन बट फॉर दिस उनको अभी थोड़ा सा करेज और वो पावर चाहिए बिकॉज उनका नेचर वाइज वो थोड़ा सा क्वीन ऑफ वंस टाइप के ही हैं सो मे बी दे वांट के आप उनके जिंदे रीयूनियन हो बेसिकली दे वॉन्ट कि एक रीयूनियन रियू, हो आपके साथ बट खुद करने से अच्छा है कि आप अगर उनके पास आएंगे तो बेटर है अगर वो खुद करेंगे तो यूनिवर्स को उनको पुछ करके ये करवाना होगा बेसिकली ये है बात ओके, दे आर फोकसिंग ऑन देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बट यूनिवर्स को उनको धक्के मार मार के आपके पास लेके आना होगा तो जाके हो सकता है कि एक रियूनियन हो आप दोनों का, बिकॉज़ ऑफ़ ईगो थोड़ा सा दिक्कत है, ओके लेट्स सी एक्शन वाइज क्या है आपके पार्टनर के तरफ से अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा एक्शन वाइज क्या है सिचुएशन में लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का एक्शन क्या हो सकता है ओके पेज ऑफ द हाई प्रीस्टेस टेन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक इज थ्री ऑफ हम्म ओके, okay. बेसिकली जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला दे आर डीपली डीपली सैड एंड हार्ट ब्रोकन राइट नाउ ओके दैट्स वाई दे आर हीलिंग बेसिकली आपकी तरफ से भी कुछ हो सकता है उनके तरफ से भी कुछ हो सकता है मुझे नहीं पता क्या हुआ है सिचुएशन बट वो इतना दुखी क्यों है ये मुझे नहीं पता बट दे आर वेरी सैड कुछ कुछ भी सिचुएशन हो सकता है आपने कुछ गलती किया हो सकता है उनके फैमिली से कुछ गड़बड़ हुआ ये हो सकता है फाइनेंशियली शायद कुछ खराब सिचुएशन अभी चल रहा है ये भी हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके लिए पॉसिबल नहीं है जानना मेरे लिए मैं सिर्फ कार्ड के थ्रू बोल सकता हूँ डायरेक्ट तो आपके पार्टनर को जाके देख नहीं सकता सो एनी so, जो भी है जो भी सिचुएशन है दे आर डीपली डीपली सैड एंड हर्ट राइट नाउ ओके एंड एक्शन वाइज जो मैं देख रहा हूं एक्शन वाइज ये है कि दे नो दे आर वेल अवेयर वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इट्स अ फैमिली लाइक रिलेशनशिप और इस रिलेशनशिप के अंदर प्यार है मोहब्बत है इसमें परिवार है इसमें फाइनेंस है अगर आप उनके जिंदगी में आएंगे तो ये जो जो मैंने बोला इस सब चीजों में बैलेंस आ सकता है उनके लाइफ में एक तरह से बहुत ही स्पाइसी uh, वे में बहुत ही फ्लटिश वे में पैशनेट वे में एक शुरुआत करने का भी उनके दिमाग में एक ख्याल है आपके साथ बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू दिस वेरी बैड फेज नाउ दे आर रियलाइजिंग हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर ओके एंड मन ही मन में दे आर ओनली प्लानिंग कि हाँ हम कर सकते हैं हम कर सकते हैं एंड आई रियली मिस दैट पर्सन आई रियली मिस दैट केमिस्ट्री दैट स्पार्कल दैट स्पाइस जो कि हम दोनों के लाइफ में था एंड आई एम मिसिंग दैट एंड आई नो दैट पर्सन इज़ मैरिज मेटीरियल और अ फैमिली मेटीरियल फॉर मी और आई फील लाइक कि ये पर्सन जो है ये मेरे लिए एक फैमिली है एक तरह से बट जो भी अभी तक मैंने बोला ये सब अपने अंदर ही अंदर चल रहा है उनका ओके दे विल भी ऑल साइलेंट मैं एक्शन वाइज कुछ नहीं देख रहा हूं आई एम सॉरी शुगर कोट कर करके कर मैं नहीं बोल सकता के हाँ भागते हुए आ जाएंगे अगर एक्शन होगा डेफिनेटली मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा कि हाँ एक्शन हो होने वाला है बट फिलहाल के लिए मुझे कोई एक्शन दिख नहीं रहा है दे विल ओनली रिमेन साइलेंट उनके दिमाग में उनके मन में दे आर वेल अवेयर ऑफ यू दे आर वेल अवेयर ऑफ द रिलेशनशिप दे आर वेल अवेयर ऑफ़ द वैल्यू वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इस रिलेशनशिप का कितना वैल्यू है उनके ज़िंदगी में ये कितना खास है बट सब कुछ जानते हुए भी दे विल कीप दे विल मेंटेन द साइलेंस ओके मुझे सिर्फ साइलेंस दिख रहा है और दे विल बी स्पिरिचुअली अलाइन जो कि पहला कार्ड में भी बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट वे में दिखा था ओनली दे विल सरेंडर टू द यूनिवर्स यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल चीजें मे बी दे आर लर्निंग समथिंग स्पिरिचुअल ऑल्सो ओके मे बी दे आर वॉचिंग सम वीडियोज़ और रीडिंग सम बुक्स कुछ बुक्स uh, पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन uh, कुछ यू नो रिसर्च कर रहे हैं अबाउट स्पिरिचुअलिटी और इट कुड बी पॉसिबल दैट दे आर विजिटिंग किसी यू uh, नो you know, uh, कोई सीनियर बहुत ही ज़्यादा मैंटर या गुरु या इस तरह का किसी को विजिट करते हैं या फॉलो करते हैं एंड दे आर लर्निंग किस तरह से इस हार्ट ब्रेक जो सी uh, इसके नीचे द हाइरोफ और क्या बोलेंगे मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता किडिंग ओके बट नॉट किडिंग एक्चुअली नहीं होता एनी वे सो सो इसके नीचे अपना थ्री ऑफ के थ्री ऑफ स्वर्ट्स के नीचे आई एम सॉरी थ्री ऑफ स्वर्ट्स के नीचे है तो इट इज वेरी क्लियर द हाइरोफाइंड द हाई प्रीस्टेस एब्सोल्युटली पहले भी स्टार कार्ड आया था फूल कार्ड आया था दे आर एब्सोल्युटली सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स दे आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन सडनली उनके अंदर एक स्पिरिचुअल आई थिंक ग्रोथ होने वाला है या स्टार्ट होने वाला है एंड इस तरह से ही दे वांट के बिकॉज uh, उनकी ईगो की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो मे बी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से कुछ कर ले ओके okay? वो पावर उनके अंदर आए और अपने दिल को थोड़ा सा हील कर पाए और आपके तरफ वो एक पैशनेट एनर्जी लेके आ सके बट फॉर द टाइम बिंग दे विल रिमेन साइलेंट बट दे विल थिंक अबाउट यू दे विल वैल्यू द रिलेशनशिप इंटरनली एंड ऑल्सो वो uh, अपने आप को हील भी करेंगे स्पिरिचुअली थोड़ा सा अवेक्निंग होने के चांसेस है और वेट करेंगे कि कब यूनिवर्स उसको धक्का मार के आपके तरफ लेके आए इट विल बी मिस्टीरियस ओके इट विल बी वेरी मिस्टीरियस ओके सो लेट्स सी क्या देखिए अभी चेक करें ओके okay, क्या आपका एक बार मैं ओवरऑल देख लेता हूं ओके लेट्स सी योर ओवरऑल आपका अभी क्या चल रहा है थोड़ा सा आपका भी देख लेते हैं पार्टनर का तो देख लिया नो कांटेक्ट का आप नो कांटेक्ट में कैसे हैं वो थोड़ा सा चेक करते हैं आप हील हो रहे हो या पेन में हो या फिर मूव ऑन कर लिया है कि आपका क्या एनर्जी है लेट्स सी ओके एट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल कार्ड ओके ये होता क्या है पता नहीं इसके नीचे क्वीन ऑफ वंस आई थिंक यू बोथ आर ट्विन फ्लेम्स एन सोलमेट सेम सेम रीडिंग मैंने लास्ट टाइम भी एक किया था या उसके पहले भी मैंने एक किया था जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का रीडिंग था और उसमें मैंने बोला था कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स है या सोलमेट काइंड ऑफ एक कनेक्शन है बहुत ही के वो भी जो करता है आप भी वही करते हो आपको एनर्जेटिकली यू बोथ आर वेरी मच कनेक्टेड ओके इवन इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है सब कुछ uh, वैसा चल रहा है बट एनर्जेटिकली यू गाइज आर वेरी मच कनेक्टेड बिकॉज यू आर ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन यू आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड ऑन योर स्टेबिलिटी वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ ओके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने खुद के ऊपर भी काम कर रहे हैं यू हैव ऑल्सो यू डू हैव द ईगो एंड एटीट्यूड आपका भी सेम ईगो एंड एटीट्यूड है कि मैं क्यों जाऊं उसको ही मेरे सामने आना चाहिए ओके एंड ऑल्सो यू आर ऑल्सो सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स टेकिंग द लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स कि जो भी होगा देखा जाएगा अब बस मेरे से अब और इतना ज्यादा सोच सोच के मैं पागल हो जाऊंगा या पागल हो जाऊंगी मेरा दिमाग फट जाएगा मेरे से अब और नहीं हो रहा है अब यूनिवर्स मुझे जिस तरफ भी लेके जाएगा आई एम रेडी टू गो टूवर्ड्स दैट साइड अगर वहाँ पे खाई भी होगा अगर मुझे गिरना भी है तो मंजूर है क्योंकि ऑलरेडी मैं आ, इतना ज़्यादा मैंने पेन झेला है कि इससे ज़्यादा गिरने से मतलब मेरे लिए सब कुछ बाकी सब चीज़ें भी इतना पेनफुल नहीं है जितना मैंने सफ़र किया है ओके सो यू आर ऑल्सो टेकिंग द लीप ऑफ एथ इन सिचुएशन यू आर ऑल्सो रीलोकेटिंग uh, uh, किसी दूसरी जगह पे आप रिलोकेट करना चाहोगे या फिर हो सकता है ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं कहीं और दूर चला जाओ ये सब झंझट से बहुत दूर चला जाओ जाके कुछ दिन का रेस्ट लूँ या कुछ दिन मैं वहाँ पे स्टे करूँ या अगर जॉब है तो वहाँ पे ही स्टे करूँ तो इस तरह का एक एनर्जी आपका भी वैसा ही चल रहा है दोनों एक दूसरे से गुस्सा है दोनों एक दूसरे को एटीट्यूड uh, दिखा रहे हैं अंदर ही अंदर दे आर वर्किंग प्यार uh, भी है तो ओके okay. जैसा आप दोनों का मर्जी अब भाई सोलमेट है तो आप लोग तो थोड़ा सा कनेक्टेड होंगे ही क्या कर सकते हैं ओके लेट्स सी द स्पिरिचुअल मैसेज और गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स यू आर कनेक्टेड नाउ बॉटम ऑफ द डेक इज फाइव ऑफ वॉन्स एंड द मैसेज इज एट ऑफ फायर एनर्जीज़ फायर साइंस हो सकता है आप या आपके पार्टनर फायर साइंस हो दोनों ही वन एनर्जी है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फायर साइन ही होगा हर साइन का है ये गाइडेंस है ये स्पिरिचुअल गाइडेंस मैसेज है सभी के लिए है एंड द गाइडेंस इज जितना भी कन्फ्लिक्टिंग वाला एनर्जीज है जो भी प्रॉब्लम अपने दिमाग में आपका चल रहा है जो भी चल रहा है ओके कम्युनिकेशन इज द की ओके इट कुड बी फ्रॉम योर साइड ये आपका गाइडेंस है तो मैं आप ही आप ही को बोलूँगा करना ना करना इट्स अप टू यू वो मेरा कुछ नहीं है बट यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है कि कम्युनिकेशन इज द की नो no कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन करना जरूरी है हो सकता है कि ब्लॉक्ड है आप लोग बट uh, अगर uh, इस तरह का अगर कुछ सिचुएशन है जहाँ पे आप ब्लॉक्ड है और कोई और तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो तो वो आप ट्राई कर सकते हैं और अगर उनके तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ रहा है देन यू शुड एक्सेप्ट दैट कम्युनिकेशन एज वेल बिकॉज फॉर द टाइमिंग आई थिंक हार्ट टू हार्ट एक कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होना बहुत ज्यादा जरूरी है हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा uh, इसके नीचे द मून कार्ड ओके okay? हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं मैं इसको इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ आई एम सॉरी ये को रिलेटेड ही है एंड दैट्स आई थैंक यू यूनिवर्स इसको दिखाने के लिए सो मे बी दे आर वेरी स्केयर इवन इफ दे आर शोइंग द ईगो एंड एटीट्यूड के मैं क्यों आऊ भाई उसको आना चाहिए आप भी वही सेम फेज में है कि मैं क्यों आऊ उसको आना चाहिए बट बोथ ऑफ यू आर वेरी स्केयर टू रीच ओके बहुत ज्यादा आप दोनों ही डर रहे हो कि अगर मैं उसको अप्रोच करूँगा या करूँगी तो हो सकता है कि फिर से हम दोनों के बीच में एक झमेला हो ओके okay? अगर हम दोनों कम्युनिकेट करेंगे तो फिर से एक कुछ झमेला हो सकता है बट वट यूनिवर्स इज से आपको इस डर से बाहर निकलना होगा और आपके पार्टनर को भी इस डर से बाहर निकलना होगा कि अल्टीमेटली झगड़ा ही होगा आप दोनों के बीच में कुछ सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि मेंटली एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके दिमाग में और सिर्फ मेंटली ये चीज है ओके okay, सरफेस में कुछ नहीं है मेंटली और अंदर ही अंदर सिर्फ ऐसा एक ख्याल आपके अंदर है तो इस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकलिए एंड कम्युनिकेट कीजिए इफ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ सम अदर पर्सन ऑल्सो ओके इवन इफ नॉट नॉट विथ दैट पर्सन अगर कोई नया फ्रेश एनर्जी के साथ भी आप कम्युनिकेट करना चाहोगे तो आप कर सकते हो और अगर पुराने एनर्जी जो भी पास्ट पर्सन है उनके साथ अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो और सामने वाले के लिए भी सेम गाइडेंस है कि कम्युनिकेशन इज द की अगर जो भी जिसको भी जिसने ब्लॉक किया है आई थिंक दिस इज हाई टाइम कि आपको आपका ये जो डर है ये जो खौफ है ये जो थोड़ा सा शाइनेस है इससे बाहर निकलना होगा एंड आपको कम्युनिकेट करना होगा आपके पार्टनर के साथ ओके okay? uh, अपना एटीट्यूड और एरोगेंस भूल के दिस इज द गाइडेंस गाइडेंस बहुत सिंपल है द कम्युनिकेशन अब हो सकता है कि आप बोले कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूं अभी मैं ब्लॉक्ड हूं फाइन अगर ब्लॉक्ड है तो आप बाकी लोगों के साथ बात कीजिए ओके okay? या किसी ऐसे इंसान के साथ या ऐसे दोस्त के साथ आप बात कर सकते हो जिससे कि आप खुल के बात कर पाओ और अपना प्रॉब्लम्स शेयर कर पाओ ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कम्युनिकेशन इज द की का मतलब है कि आपके दिल के अंदर जो भी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ है या दिमाग के अंदर जो भी चल रहा है आपको बाहर किसी इंसान को वो खुल के बोलना होगा नहीं तो अंदर ही अंदर आप घुट घुट के पागल हो जाएंगे ये डरना हो सकता है कि आप शाई फील कर रहे हो या डर रहे हो अगर मैं जाके अपने मम्मी पापा को बोलू या अपने फ्रेंड्स को बोलू या किसी या मेरे पार्टनर को ही बोलू या किसी नए एनर्जी को ही बोलू वो कैसे इस चीज़ में रिएक्ट करेंगे उनका क्या रिएक्शन होगा वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे तो इस तरह का बहुत सारा ख्याल आ सकता है और इन सब ख्यालों के चक्कर में आपके दिमाग में बहुत एक मेस्ट यू आर मेस्ट अप बेसिकली और इस सिचुएशन में अगर हो सकता है कि आप काउंसलिंग भी कर सकते हैं किसी साइकैट्रिस्ट uh, को आप दिखा सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं तो डॉक्टर्स से भी कंसल्ट कर सकते हैं उनको भी जाके बहुत सारे लोग साइकेट्रिस्ट दिखाते हैं ओके okay? और जाके उनको शेयर करते हैं कि मैं इतना डिप्रेस्ड एक फेज से गुजर रहा हूँ ये ये मेरे साथ हुआ है तो एक तरह से वो भी कम्युनिकेशन ही है तो कम्युनिकेशन इज द की वट एवर इज रेजोनेटिंग विथ यू प्लीज टेक दैट मैसेज फॉर योर गाइडेंस एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड ओके एंड दिस इज द एनर्जी दिस इज द रीडिंग एंड दिनर्जी अगर मैंने बोला तो ये एनर्जी भी हो सकता है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो हम आगे भी इस तरह का वीडियो लेके आएंगे अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट नहीं किया है तो मेरे चैनल में और भी वीडियोज है आप वो चेक कर सकते हैं या फिर अपकमिंग वीडियोज आप चेक करोगे तो वहाँ पर शायद आपका रीडिंग आ सकता है ओके okay? एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा uh, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बहुत सारे लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब करेंगे तो आई विल भी वेरी हैप्पी ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ